नवाब साहब रोड पर पुश्तैनी घर पर कब्जे को लेकर बहू ने जेठ का सिर फोड़ा, घायल अस्पताल में भर्ती। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवाब साहब रोड पर पुश्तैनी घर पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में बहू ने डंडे से हमला कर जेठ का सिर फोड़ दिया। घायल जेठ को इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में NCR दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार मुकेश पुत्र प्रीतम कुशवाहा उम्र 46 साल निवासी नवाब साहब रोड ने बताया कि वे काम की वजह से काफी समय से उत्तराखंड के नैनीताल में रह रहा था। पिछले दिनों में काम छोड़कर अपने घर शिवपुरी आया, तभी से उसका छोटा भाई विनोद कुशवाहा और उसकी पत्नी उसे उसके पुश्तैनी घर से निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। बीती रात दोनों ने घर से निकालने की नियत से उसके ऊपर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने विनोद और उसकी पत्नी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में NCR दर्ज कर ली है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। पूरा नाम? मुकेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? नवाब साहब। क्या घटना हो गई? डंडा मार दिया छोटे भाई को, भाई ने मारा। किस बात के लिए? एक जमीन के मकान के पीछे करिए, खाई को आया भाजा यहाँ से। कहाँ रहते थे तुम? नवाब साहब। नहीं, पहले कहाँ रह रहे थे? पहले मैं घर रहता हूँ, बाहर। बाहर कहाँ? नैनीताल। नैनीताल। हाँ। तो यहाँ कब आए हो? यहाँ मैं होली से पहले आऊँ। फिर ऐसी माँ से बात चल रही थी, आकर घर गाली बाली पकड़ा के मेरे को आकर से लट्टा मगर कौन है? बहू ना हो भाई में? हाँ। क्या नाम है दोनों? दोनों बहू का आपका नाम नहीं आता उसकी माँ। खास बहू है? खास बहू दूसरी लड़ाई करी। अच्छा। हाँ, बदमाशी की तकलीफ लगी है, जमीन के चक्कर में हो रहा है। हाँ, मकान करी मैं रही थी, हमें भाग जाती हूँ। तुम्हें भगा रहे हैं? हाँ। वो चक्कर में लट्ट मार दी? हाँ। दो लोगों ने? मेरे भाई है और उसकी घरवाली है।